एक जमाना वो था, बड़ी सादगी से रहा करते थे लोग, इंसानियत को अपना मजहब मानते थे लोग, दूसरों की खातिर अपना सुख चैन लुटाते थे लोग। लेकिन अब बदला है जमाना, और इस बदले जमाने में मौत पर भी पोलिया लगाई जाती है, और यही पोलिया लगी है बांसवाड़ा जिले में, जहां 50 लाख रुपए के बीमे की राशि के लिए ऐसा षड्यंत्रों का ताना बाना बुना गया कि जब एक एक परतें खुली तो सच्चाई सामने आई और इंसानियत हुई शर्मसार। जी हाँ, जब मामला 50 लाख की बीमा राशि का हो तो बीमा कंपनी तह तक हो जाती है, और इस मामले में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले की जांच का जिम्मा पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ को सौंपा। सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने जब मामले की तह में जाना शुरू किया तो एक के बाद एक पर्ते खुलती गई और इंसानियत शर्मसार होती गई। जी हाँ, किस तरीके से कैंसर से हुई मौत को अपने ही बेटे ने बाप की मौत को दुर्घटना करार दिया, और इसे ठोस आधार देने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई को भी शामिल किया। आखिर 50 लाख की रकम थी तो लाल टपकना स्वाभाविक है, लेकिन कहते हैं कि जब हीरो की एंट्री होती है तो पूरी पिक्चर का रुख बदल जाता है, और जब सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने मामले की पर्दे खोली तो तीनों के तीनों आ गए हैं पुलिस गिरफ्त में। आइए देखें कैसे मामला दर्ज कराया गया, कैसे हुआ अनुसंधान, और कैसे तीनों शैतान आए पुलिस गिरफ्त में। दीपक खेमाल के साथ देखें खास खबर। मार्च 2023 को केयर हेल्थ कंपनी के प्रतिनिधि ने सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक देवेंद्र पटेल जो कि कैंसर से पीड़ित था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ बता के उनकी कंपनी में 50 लाख का बीमा क्लेम किया गया, क्योंकि उस मृतक ने हेल्थ केयर कंपनी से एक हेल्थ पॉलिसी ले रखी थी जिसमें एक्सीडेंट पर डेथ होने पर 100% सम अश्योर्ड था, 50 लाख रुपए पूरे मिलना था। तो जब ये एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद अनुसंधान किया गया, तो अनुसंधान से हमने पाया कि ये जो सदर थाने का एएसआई है योन कुमार, मेडिकल टूरिस्ट डॉक्टर रवि उपाध्याय और इसके बेटे मृतक देवेंद्र के बेटे योगेंद्र, इन तीनों ने षड्यंत्र पूर्वक, इनके साथ और भी कई साथी है जिनको नामजद किया गया है, इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो इसकी प्राकृतिक मृत्यु थी उसको इन्होंने घर में गिरने से सिर में चोट लगने से एक्सीडेंट होना बताकर एक सदर थाने पे मर्ग दर्ज करवाया। उस मर्ग की जांच योहन कुमार एएसआई ने की, लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर रवि उपाध्याय द्वारा किया गया। ये सारी कार्रवाई इनके द्वारा एक्सीडेंट में 100% बीमा क्लेम 50 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए किया गया, इसी कारण से इनके खिलाफ आरोप प्रमाणित पाया गया और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य इनके जो भी साथी हैं और जो इस षड्यंत्र में शामिल है उनको नामजद कर लिया गया है, उनके विरुद्ध भी शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की।